सो वेल माई डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, हम लोगों ने मॉक टेस्ट लिया था, उसका पेपर मैंने चेक किया, बहुत सारे पेपर चेक किया, हाईएस्ट है 28। तो मैंने अब आप लोग सर हाईएस्ट 28 है तो आप लोगों को 14 मार्क्स वाला पेपर क्यों दिखा रहे? माई डियर स्टूडेंट फ्रेंड, डेफिनेटली आपको हाईएस्ट वाला पेपर देंगे, बट आपको यह समझना चाहिए कि पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी हम लोग उतना अच्छा मार्क्स सिक्योर क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, स्टॉक एंड वेरिएबल कॉन्सेप्ट। इसका आंसर इन्होंने लिखा है, बट कट्स उन्होंने ज्यादा दिया पेपर में, मतलब काटा कुटी ज्यादा है, इस कारण से इनको 1.5 मार्क्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दिया है, ठीक है? उसके देखिए दूसरा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स कि पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। यह आंसर उन्होंने कुछ खास लिखा नहीं है और जो लिखा है वो भी उतना सही नहीं है आंसर, इसीलिए हम लोग इसमें 1.5 मार्क्स इनको दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, 1.5 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्होंने ठीक लिखा है, खराब नहीं लिखा है, बट थोड़ा आंसर और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कितना मार्क्स दिया है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मार्क्स दिया है माय डियर स्टूडेंट्स 3 मार्क्स दिया है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। इन्होंने एक क्वेश्चन ग्रुप ए में अटेम्प्ट, ग्रुप बी में अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब ये पेपर जो आपके सामने है ये 34 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अटेम्प्ट किया, उन्होंने 40 मार्क्स के पेपर में 34 अटेम्प्ट किया, फिर भी 14 मार्क्स आ गया। अब देखिए, 14 अगर इको में आ गया और 10 मार्क्स मैथ्स में आ जाएगा तब तो मेरा इको और मैथ्स में 5 मार्क्स हो जाएगा, बट देखिए उसके लिए आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा। ये एलएम कर्व का फीचर्स, ये इन्होंने ठीक लिखा है, थोड़ा और बड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसलिए हम लोगों ने मार्क्स इनको इसमें, इनको ऑन एन एवरेज 4-4.5 मार्क्स मिलना चाहिए था, बट हम लोगों ने इंटेंशनली कम मार्क्स दिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको रैंडमली हाई मार्किंग करता नहीं है, ठीक है? पहले इनको एलएम कर्व के बारे में थोड़ा अच्छा से लिखना चाहिए था, इन्होंने डायरेक्ट फीचर्स से स्टार्ट किया, इसलिए हम लोगों ने इस पे आंसर को थोड़ा वेट कम करके 3 मार्क्स ही इसमें रिवॉर्ड किया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन था कि केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन, इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया, और एमपीएस एमपीसी का रिलेशनशिप, दोनों में मैंने 3-3 मार्क्स दिया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स इनको मिला है, लेकिन इसमें ना एक डायग्राम अगर ये दे देते तो इनका मार्क्स बढ़ के 4 मार्क्स 4.5 मार्क्स हो जाता, ठीक है? और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा और अच्छा और थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, जिसमें आपका एमपीसी का डेफिनेशन, एमपीएस का डेफिनेशन, ये सब इनको लिखना चाहिए था। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आई होप आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि पेपर आपको कैसे लिखना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि 34 मार्क्स के पेपर में अगर ये बच्चा 14 मार्क्स ट्यूशन में लाया है तो क्या आपको लगता है कि ये बच्चा अब सप्ली खाएगा? ये बच्चा कभी सप्ली नहीं खाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बच्चा सिक्योर मार्क्स कर चुका है। बट हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि आपको पूरा पेपर ही पढ़ के जाना होगा। आप सोचोगे ना कि हम 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और पास हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है बाबू? तो ऑल द बेस्ट, इकोनॉमिक्स मैथ्स मिलाकर के सिर्फ 24 मार्क्स लाना है दोस्तों, लेकिन हम लोग